क्या रे, अभी तक गाड़ी भरी नहीं क्या? क्या करूं नरेन भाई, तुम्हारे खेत में ये जो तरबूज उगे हैं, उसका वजन मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। गाड़ी में चढ़ाते चढ़ाते हालत खराब हो गई। अच्छा एक बात बताओ कि बाबू खाद में क्या मिलाता है कि फल इतने ज्यादा उग रहे हैं? बाबू ने तरबूज के खेत में क्या दिया है वो या तो मैं जानता हूँ या वो जानता है। लेकिन ये बात तो बताई नहीं जा सकती ना। क्या देगा? नॉर्मल खाद और पानी। इससे इतना बड़ा बड़ा तरबूज, बापरे ये तरबूज कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। एक दिन छोड़ के गाड़ी लेकर आ रहा हूँ और भर भर के लेके जा रहा हूँ। फल की जरा सी भी कमी नहीं है। हमने तो बहुत सारे खाद देखे हैं, लेकिन इतने फल देने वाला नहीं। चलो चलो चलो, तुम जितना तरबूज है जल्दी गाड़ी में भर दो। बाबू आके देखेगा कि काम नहीं हुआ तो बहुत गुस्सा करेगा तुम्हारे ऊपर, समझे तुम? अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। ए गुना, तेरे पैंट के पॉकेट का ये जो ऊंचा हो रहा है उसमें क्या रखा है? एक छोटा सा तरबूज मिला है, उठा के लेकर आया हूँ। क्या करेगा इसका? भतीजे को दूंगा, गेंद समझकर खेलेगा। ठीक है, थोड़ा काम जल्दी कर दे। वाह, तरबूज बेच के जो फायदा हो रहा है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दो दिन में अमीर बन जाऊंगा। इतने साल से मुझे ये दवाई क्यों नहीं मिली? क्या हुआ, तरबूज लोड होके गाड़ी निकल गई ना? हाँ बाबू। परसों आएगा ना वापस लेने के लिए, बोल दिया? हाँ बोल दिया मैंने, लेकिन बाबू एक बात करनी थी। बोलो। बोल रहा था वो गाड़ी लेके जो बच्चे आए थे ना, वो लोग हमारे तरबूज के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? यही बोल रहा था कि हमारे खेत के तरबूज इतने बड़े कैसे हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े कैसे हो जा रहे हैं, यही सब। उसके बाद? उसके बाद क्या, बस यही कि हम लोग खेत में क्या डाल रहे हैं कि ये सब बड़े हो रहे हैं। तू बेवकूफ जैसे सब कुछ बोल तो नहीं दिया ना? ना ना, असली बात बता दूंगा, इतना बेवकूफ थोड़े हूँ मैं। तो फिर क्या बोला? यही बोल दिया कि खाद और पानी दिया है इसमें। लेकिन जानते बाबू, मुझे लगता है कि वो लोग मेरे उत्तर से ज्यादा खुश हुए नहीं है। क्यों क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, वो लोग कह रहे थे कि दूसरी जमीन में भी तो ऐसे खाद डालते हैं, लेकिन इतना बड़ा तो वहाँ नहीं होता है। वो मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी, अगर किसी को पता चल गया तो फिर। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा सुन, कल सुबह होने से पहले ही हम खेत में जाके अपना काम शुरू कर देंगे। आप भी चलेंगे बाबू? हाँ मैं भी चलूंगा, दो लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। एक और बात थी बाबू, वो अब और स्टॉक में नहीं है बाबू। अच्छा ठीक है, आज शाम को जाके लेके आऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों क्या हो गया? मेरी जेब में रखा हुआ तरबूज काफी बड़ा हो रहा है। मतलब? जब मैंने पॉकेट में डाला था ना तो इतना छोटा सा था, अब तो मेरी जेब भी टाइट हो रही है। क्या दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ सच में पॉकेट तो एकदम टाइट हो गया। बाहर निकालो, बाहर निकालो, पॉकेट से बाहर निकालो। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा जेब से। ये क्या बोल रहे हो, पॉकेट के अंदर तरबूज बड़ा हो गया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब तो लगता है कि जेब को काटना पड़ेगा। अरे भाई मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा दो टैबलेट दे दो ना जरा। कितने पैसे हुए? 4 रुपया। हाँ ये लीजिए। भाई मुझे जल्दी 12 सीरिंज दे दो। एक मिनट रुको। काम हो रहा है ना? काम हो रहा है मतलब 6-7 दिन में एक एक तरबूज राक्षस जैसा बढ़ रहा है।
तो फायदा भी बहुत होता होगा। हाँ वो भी हो रहा है। तो ये चालाक विचार देने के लिए मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये 500 भी रख लीजिए, बाद का बाद में देता हूँ। लेकिन एक ध्यान रखना, तुम लोग ये तरबूज मत खाना। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, हर एक दवाई की अपनी साइड इफेक्ट होती है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब तरबूज और ये हार्मोन अपने शरीर में जाते हैं, तो सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी आना, ऐसी अनेक बीमारियाँ हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, मैं ये तरबूज खुद भी नहीं खाता और अपने घर वालों को भी नहीं खिलाता हूँ। चलो अभी मैं चलता हूँ। सुन, जल्दी जल्दी काम कर। ए, कोई तो आ रहा है, जल्दी कर, सिरिंज और दवाई छुपा दे। ए, कौन है, कौन है इतनी सवेरे सवेरे रघु के खेत में? कौन हो तुम? मैं हूँ चाचा। तुम हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी जमीन में कोई आके तरबूज चोरी कर रहा है। चोर की इतनी हिम्मत, रघु की जमीन से आके फल चोरी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अजो, तुम इतने सवेरे सवेरे तरबूज के खेत में क्या कर रहे हो? अब दरअसल चाचा, मैं और रामू बस ये देखने के लिए आए थे कि खेती बाड़ी बराबर हो रही है या नहीं। वाह 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 वा, वा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। जब सवेरे सवेरे सभी जमीन के मालिक लोग सो रहे हैं, तो तुम खेत में आके अपने फसल की देखरेख कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इसीलिए तुम्हारा तरबूज इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। एक एक तरबूज है, क्या साइज है। बहुत बढ़िया, करते रहो बाबा, करते रहो, बहुत अच्छा। मैं आता हूँ। उफ बाप रे, बाल बाल पच गए। मोरल बाबू को अगर पता चल गया होता ना, तो बहुत मुश्किल पड़ जाती थी बाबू। समझे रामू, और सावधानी से काम करना पड़ेगा। ए भाई तरबूज वाला, जरा इस तरबूज का वजन करके तो देखना। क्यों, वजन कम हो गया क्या? एक बार देखो ना। तो कितना हुआ वजन? 4 किलो। आश्चर्य की बात है, कल तो 3.5 किलो था और एक ही रात में 4 किलो हो गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या बोल कर रहे हैं? मतलब मेरी बीवी ने सही कहा था कि तरबूज दिखने में बड़ा हो गया है। लो भाई लो, ये तुम्हारा तरबूज तुम्हारे पास ही रख लो। वापस ले लूं? क्यों? लगता है ये भूतिया जमीन की फसल है, नहीं तो कभी सुना है कि तरबूज खरीदने के बाद बड़ा हो गया? लो भाई लो, अपना तरबूज रखो और मुझे मेरा पैसा दे दो। सिर्फ बोहनी का टाइम था इसलिए नहीं बोला। तरबूज नहीं लेना था तो इतना बहाना क्यों कर रहा था रे तू? सीधे क्यों नहीं बोल दिया तूने? वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। मतलब? अरे ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो गया? मेरी जेब में रखा हुआ तरबूज काफी बड़ा हो रहा है। मतलब? अब तो मेरी जेब भी टाइट हो रही है। अरे हाँ, पॉकेट तो एकदम टाइट हो गई है। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा जेब से। अब तो लगता है कि जेब को काटना पड़ेगा। सुन, इस मैटर का डिस्कस मत कर और सब तरबूज वापस करके आ जा। कल सारे तरबूज वापस क्यों कर दिया? अरे वापस करने का कारण है भैया, आपके इस तरबूज में कुछ गड़बड़ है भैया। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अरे खेत में से तोड़ने के बाद भी उसमें से कुछ तरबूज अपने आप ही बड़ा होने लगता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बाबू। बोलो क्या हुआ? जल्दी घर चलिए बाबू, घर पे बहुत मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? आपके छोटे बेटे को उल्टी आ रही है और जुलाब भी हो रहा है। ऐसा कैसे? डॉक्टर को नहीं बुलाया? अरे डॉक्टर को बोल के आपके पास आया हूँ बाबू। चलो चलो चलकर देखते हैं। सुबह 2-3 बार उल्टी किया था और आपके जाने के बाद
इसको जुलाब भी शुरू हो गए, तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है उसे खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कल उसने क्या खाया था? और क्या खाएगा, घर का दाल चावल रोटी सब्जी बस। घर के दाल चावल से उसे नहीं हो सकता फूड पॉइजनिंग। अच्छा आप तो माँ हो उसकी, आप जरा सोच कर बताइए कि कल आपके बेटे ने क्या खाया था। वो असल में मैंने... नहीं नहीं, मुझे साफ साफ बताइए क्या खाया था इसने। कल पूरा दिन इसने बैठ के बहुत सारा तरबूज खाया। क्या तरबूज? मेरे खेत का तरबूज? अरे हमारे खेत को छोड़कर और कहाँ से तरबूज आएंगे। हाँ लेकिन एक ध्यान रखना, तुम लोग ये तरबूज मत खाना। देखो हर एक दवाई की अपनी साइड इफेक्ट होती है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब तरबूज और ये हार्मोन अपने शरीर में जाते हैं तो सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी आना, ऐसी अनेक बीमारियाँ हो सकती है। क्यों क्यों क्यों, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तरबूज खा गया, क्यों बोलो। लेकिन मैं क्या करती, वो जिद कर रहा था। जिद करेगा तो देना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं ज्यादा तरबूज खाना खराब है। क्यों क्यों खराब है, क्या है इस तरबूज में? मैं मर भी जाऊंगा तो भी बता नहीं सकता। तो फिर मैं भी आपके बेटे को बचा नहीं सकता, क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग का कारण मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं उसे कैसे बचाऊंगा। हो सके तो आप उसे अस्पताल ले जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को छोड़कर मत जाइए प्लीज। तो बोलिए क्या था उस तरबूज में। ज्यादा मुनाफे के लिए मैं तरबूज के पेड़ पे हार्मोन की दवाइयाँ देता हूँ। हार्मोन की दवाइयाँ? हाँ, ये देने से कुछ दिनों में तरबूज बहुत बड़ा हो जाता है, और जितना ज्यादा फल उतना ज्यादा मुनाफा। सत्यानाश, आपने ये क्या किया, वो तो इंसान के लिए जहर है, और आप थोड़े से मुनाफे के लिए अपने तरबूज में जहर मिलाते हैं, और वो जहर जाता है आम इंसान के शरीर में। क्या आप जानते हैं इस पाप की क्या सजा है, बोलिए। जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर है, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको पुलिस के सामने सब सच सच बोलना पड़ेगा। हाँ बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मेरे पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा, सिर्फ मेरे बेटे को बचा लीजिए। थानेदार साहब, थानेदार साहब, देखिएगा किसी भी तरह से रघु बचने ना पाए। इस तरह से ज्यादा कमाई करने के चक्कर में इंसानों के शरीर में जहर डाल रहा था। छे 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 छे, हम लोग चाहते हैं कि रघुपति को सजा मिले, सजा मिलनी चाहिए उसको। हाँ, मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं मान लूंगा, लेकिन सुनिए चाचा, मेरे जेल में जाने के बाद मेरे बेटे का इलाज करवा देना, उसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना, और उसका ध्यान रखना, बस वो जिंदा रहे।